ब्रेक के बाद आरोग्य का मॉडर्नियो के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। लीवर सिरोसिस इस बीमारी के बारे में हम मार्गदर्शन ले रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार लेने वाले कई मरीज हमने देखे, उनके अनुभव सुने हैं। ऐसे ही एक मरीज श्रीमती रजनी राखे, अब हम इनका अनुभव सुनेंगे। मैं श्रीमती रजनी काशीनाथ राखे पार्टस। मुझे सन 2000 से 2004 तक लगातार पीलिया होता रहा। उसके बाद प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन एकदम से कम होने लगा। थकान महसूस होती थी, पैरों में दर्द होता था और खाना बनाना, घर के काम, इसके बाद नींद आती थी बहुत। खाने से पहले भी नींद आती थी और खाने के बाद भी नींद आती थी, और थोड़ा भी काम ज्यादा हुआ तो अस्पताल में दाखिल करना पड़ता था। एडमिट होते ही दवाइयां, सलाइन, इन सब के बाद उनके साइड इफेक्ट्स से पेट खाली होने पर भी भूख नहीं लगती थी। भूख ना लगने की वजह से पेट साफ नहीं होता था। फिर शौच की तकलीफ शुरू हो गई। ऐसा करते करते बहुत समय, 8-10 साल बीत गए, निदान ही नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई, उस समय भी एडमिट हो गई। फिर से काम वगैरह किया, घर में ही कार्यक्रम था तो खाना परोसा, उससे भी थकान आ गई और बुखार आ गया। फिर इंजेक्शन ले लिया, कुछ दवाइयां ले ली, पसीना आ गया। फिर दूसरे दिन काम के लिए उठ गई, फिर से काम किया, फिर से बुखार आया और थकान महसूस हुई। रात को सो गई तो दूसरे दिन उठते ही चेहरे को सूजन आई थी। फिर मेरे छोटे बेटे ने पूछा कि माँ क्यों सोई हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, उसने चेहरा देखा तो सूजन थी। तो वो मुझे फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। वहां पे फिर उन्होंने सब जांच की, बोन मैरो भी किया। चेकिंग में खून की कमी थी इसलिए खून भी चढ़ाया। इतने टेस्ट करने के बाद भी उसका निदान ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आप पेट के डॉक्टर को दिखाइए। उन्होंने फिर बताया कि आपका लीवर स्टिफ हो गया है। पूना हॉस्पिटल में जाके पीस निकालने को कहा लीवर के। फिर उसका रिपोर्ट आ गया कि लीवर सिरोसिस हुआ है ऐसा। उसके बाद एंडोस्कोपी भी की कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद दवाई शुरू कर दी। फिर उन डॉक्टर से पूछा कि क्या इससे फर्क पड़ेगा, तो वो बोले नहीं, आपको ये मरते दम तक लेनी पड़ेगी, आपका लीवर 85% डैमेज हो गया है। फिर भी हम हर महीने जाते थे और पूछते थे ठीक होगा क्या, तो वो कहते थे कि ये कभी नहीं ठीक होगा। फिर मैंने 5-6 महीने तक वो दवाइयां ली। फिर मेरे पति ने टीवी पर देखा विजय कुमार माने, होम्योपैथी, मॉडर्न होम्योपैथी, लीवर सिरोसिस पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। फिर उस पे हमने घर में थोड़ी चर्चा की, मेरे बड़े बेटे को भी पूछा, और फिर फैमिली डॉक्टर में भी एक मरीज का लेख आया था, उनको फोन लगाया तो उन्होंने भी बताया कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं मॉडर्न होम्योपैथी के, आप जल्दी उनसे उपचार लीजिए। फिर मेरे पति धनकौड़ी के क्लिनिक में गए और मेरे रिपोर्ट्स दिखाए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखते ही कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक कर दूंगा लीवर सिरोसिस, 18 महीने दवाइयां लेनी पड़ेगी। फिर 1 महीने में ही मुझे अच्छा लगने लगा, सुधार आ गया, चेहरे की सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगी, पैरों को भी सूजन आई थी वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब करीबन 15 महीनों से दवाइयां शुरू है, तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार आया है, अब पाचन भी अच्छा होता है और प्रतिरोध की शक्ति भी बढ़ गई है, फ्रेश भी लगता है, एज भी बढ़ गया है और प्लेटलेट्स भी बढ़ गई है, और मैं बाहर की कोई दवाइयां नहीं लेती हूं, एलोपैथी की वगैरह, उन सबको मैं, जो मुझे मिलने के लिए आते हैं, अगर आपको या और किसी को, आपके रिश्तेदारों को या किसी को पेट की कोई तकलीफ हो या फिर अन्य बीमारियां, किडनी, कैंसर आदि, तो मैं उनको मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने के पास जाने की सलाह देती हूँ। वो अच्छी दवाइयां और साथ में गारंटी भी देते हैं। तो अभी हमने सुना कि रजनी राखे 85% लीवर सिरोसिस से बीमार थी और किस प्रकार से मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों से उन्हें सफलता मिली है, ये डॉक्टर विजय कुमार माने जी की कामयाबी है ऐसा कह सकते हैं। लीवर सिरोसिस के बारे में हम मार्गदर्शन लेंगे, ऐसे अनुभव भी देखने वाले हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सलाह और परामर्श के लिए नीचे दिए क्रमांकों पर मिस कॉल दीजिए 7038833881 और 7038833882।